तीन बातें आई हैं. एक तो गवर्नेंस फेलियर है वहाँ का, क्योंकि केरला स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को जो है ठीक से अपनी तैयारी नहीं की उन्होंने. और दूसरा है कि डैम मैनेजमेंट उनका बिल्कुल डिसकनेक्टेड था एंड इट वाज मोर प्रो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज रादर देन प्रो पीपल. और तीसरी जो है वो एथिकल प्रॉब्लम है कि जिस जो काम उनको करना चाहिए था उस काम को उन्होंने इवेड किया है. और जो लोग हैं, जो पंचायतें हैं, पंचायतों को सेंटर में रखना चाहिए था. आप डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस के बारे में इतना बोस्ट कर रहे हैं इतने सालों से, तो वो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस में किस किस्म का डिसेंट्रलाइजेशन है अगर उनको अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए भी इंफॉर्मेशन नहीं है. तो क्या मुख्य सिफारिशें इस रिपोर्ट में आगे सरकार को दी जाएंगी या दी जा रही है? सबसे पहले तो अपना केरला स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अकाउंटेबल करके और वहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि जो ऑफिशियल्स हैं जो काम कर रहे हैं उन ऑफिशियल्स को थोड़ा कम एरोगेंट होना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए और उनकी खबर जो है उन तक पहुंचानी चाहिए और ओपेक तरीके से नहीं काम करना चाहिए. क्योंकि देखिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ नॉट अ नॉर्मल ब्यूरोक्रेसी, इट्स अ ब्यूरोक्रेसी विच एक्चुअली हैंडल्स द पीपल. तो जब आप जनता के इतना करीब रहेंगे तो आपको थोड़ा जनता जैसा होना पड़ेगा. आप अगर शहनशाह या बादशाह होकर काम करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे.